हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग भैया? बहुत वीडियो हो गई 1 ग्राम की, बहुत वीडियो हो गई फॉर्मिंग ज्वेलरी की, बहुत वीडियो हो गई गोल्ड की। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि जनाब ज़रा राशि स्टोन्स के बारे में भी जानकारी दीजिए। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नवरत्न की सीरीज़। इस सीरीज़ में आपको हर एक सीरीज़ में एक राशि रत्न के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जिससे कि आप समझ सकें इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, ये कब पहना जाता है और कब नहीं पहना जाता, और ये कितना इम्पैक्ट करता है हमारे जीवन के। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपसे संबंधित ये वीडियो है। आपसे बोले तो जितने मेरे व्यूवर्स हैं या जितने व्यूवर्स देख रहे हैं इस चीज़ को, उन सब के फ़ायदे की ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ राज कदम। अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो भैया ऐसा है, आज से हमने सोचा कि एक नई श्रृंखला चालू की जाए कि हर एक वीडियो में एक स्टोन के बारे में पूरी जानकारी दी जाए, इसके फ़ायदे नुकसान, कब पहना जाता है, क्यों पहना जाता है, और ज्योतिष या ये किस तरह आप इससे बच सकते हैं महंगाई के ज़माने में, ये कितना सस्ता कहाँ मिलेगा, कितना महंगा कहाँ मिलेगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आप तक ज़रूर मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे पुखराज की। पुखराज एक ऐसा रत्न है जो बृहस्पति को वर्क करता है। अगर आपका बृहस्पति का इम्पैक्ट है तो आपको ज्योतिष इसकी सलाह ज़रूर देगा कि आप पुखराज रत्न धारण करें। अगर आप पुरुष हैं तो ये कम से कम 3.5 कैरेट के ऊपर होना चाहिए। अगर आप स्त्री हैं तो ये आप 3.5 से नीचे चल जाता है। अब ये कभी भी आप स्टोन को खरीदते समय लूज स्टोन कभी ना लें, हमेशा ये ध्यान रखें कि सर्टिफाइड स्टोन हो। जिस तरह ये देख रहे हैं आप, इस प्रकार के सर्टिफिकेट होने चाहिए। इस तरह के सर्टिफिकेट होंगे तो आप कभी भी ठगा सा महसूस नहीं करेंगे। आपको ये चीज़ ओरिजिनल दिखेगी, ओरिजिनल ही है ऐसा समझिए आप। जो सर्टिफिकेट होता है उस पर नेचुरल लिखा हुआ होता है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अब राशि स्टोन पुखराज जो है वो 4 प्रकार में आता है। सबसे पहला जो होता है वो नंबर वन होता है। नंबर वन जो है तकरीबन 2,000 रुपये कैरेट। अगर आप 3 कैरेट का स्टोन लेते हैं तो 6,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। वो अलग बात है कि कोई इसको 5,000 रुपये कैरेट करके बेचता है, कोई 10,000 रुपये कैरेट करके बेचता है, वो अलग चीज़ है, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी या उसका दिखने का तरीका। लेकिन मिनिमम एक नंबर जो स्टोन है पुखराज का, वो 2,000 रुपये कैरेट में आराम से इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसके लिए आपको मार्केट में घूमना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, इसके फ़ायदे क्या है? इसके फ़ायदे बहुत ही सरल हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं, अगर आपको ज्योतिष ने आपको पुखराज धारण करने के लिए कहा है, आपकी राशि में वो फिट बैठता है, तो इसके फ़ायदे ये हैं कि आप अपने बिज़नेस में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे। रत्न हजारों का, राशि रत्न हजारों का, लेकिन कमाई लाखों की। ये हो गया बिज़नेस से रिलेटेड फ़ायदा। आप किसी भी डील करने जाएं, किसी भी कस्टमर से रिलेटेड बात करें, इस स्टोन का इम्पैक्ट आपके जीवन में अवश्य रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आप सर्विस करते हैं, सर्विस अगर आप करते हैं तो ये आपसे भी बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए भी। क्यों? क्योंकि भैया आप सर्विस कर रहे हैं, आपको प्रमोशन की ज़रूरत है। तो प्रमोशन कैसे होगा? प्रमोशन तो तभी होगा जब आपकी राशि में ये स्टोन लिखा हुआ है और आपने ये धारण कर लिया, तो आपका प्रमोशन अवश्य होगा। तीसरी, विद्यार्थी स्टूडेंट्स, इनको भी ये चीज़ पहनने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन आज की बहुत ज़रूरत है, एजुकेशन की। अगर आपका एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तो भारत का भविष्य अच्छा नहीं होगा। इस एजुकेशन को और नंबर वन डेवलप करने के लिए ये पुखराज रत्न बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तीसरी चीज़, गृहिणी जो घर बैठे हुए हैं, माताएं, बहनें, ऑल लेडीज़, ये भी इस रत्न को धारण कर सकती हैं अगर उनके जन्मपत्री में ये रत्न लिखा हुआ है तो।
क्यों? घर में शांति बनी रहेगी भैया, कलेश नहीं होगा, पति आपके खिलाफ नहीं होगा, आपके साथ प्रेम से रहेगा, बच्चे आपके फेवर में रहेंगे, सास ससुर हैं वो भी आपके फेवर में रहेंगे, आस पड़ोसी आपसे जलेंगे नहीं, अगर जलेंगे तो ये राशि रत्न आपको बहुत कारगर सिद्ध होगा आपकी कामयाबी के लिए। अभी ये किस धातु में धारण किया जाता है? तो भैया ये सोने के धातु में ही धारण किया जाना चाहिए, वो अलग चीज़ है। अगर आप 15-20 हज़ार, 25 हज़ार की अंगूठी फिलहाल नहीं खरीद सकते तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन है पंच धातु, बशर्ते पंच धातु में सोने का कण अवश्य होना ज़रूरी है, 1% हो या 100% हो, लेकिन पंच धातु में सोने का कण होना अवश्य ज़रूरी है। मुखराज को आप चांदी में, तांबे में, इस चीज़ में, पीतल में कभी भी धारण ना करें। या तो एक नंबर क्वालिटी अगर देखा जाए, 100% आपको फ़ायदा चाहिए तो गोल्ड में, गोल्ड इज़ द बेस्ट पुखराज रत्न के लिए। पंच धातु में आप पहनेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वर्क करेगा, थोड़ा कम करेगा, आप थोड़ा कमा लेंगे, उसके बाद आप उस चीज़ के लिए, सोना खरीदने के लिए काबिल हो जाएंगे, फिर आप उस चीज़ को सोने में धारण कर सकते हैं। अब इसके नुकसान क्या हैं? अगर आपकी जन्मपत्री में ये चीज़ नहीं लिखी हुई, कई बार मैं देखता हूँ कई ज्योतिष इस चीज़ का सलाह दे देते हैं कि आप पुखराज पहने, कई बार मैंने देखा है कि उनकी जन्मपत्री में पुखराज होता नहीं है, या कई ऐसे दुकानदार हैं 1 ग्राम से रिलेटेड वाले ही जो राशि रत्न बेचते तो हैं, लेकिन मैंने ऐसा नोटिस किया है कि ज्योतिष ने उसको बताया है पन्ना धारण करने के लिए, और किसी ज्वेलरी में एक ज्योतिष बिठा रखा है, उसने उस बंदे को मुखराज और पन्ना दोनों का नाम बता दिया। अब जितना बड़ा शोरूम होगा तो पुखराज की कीमत 10 से 20 हज़ार रुपये कैरेट हो जाती है। अब वो बंदा परेशान है, उसको बोला जाता है कि आपका बहुत ही बढ़िया फ़ायदा होगा, तो वो चीज़ वो ख़रीद लेता है। है 10-20 हज़ार वाले भी स्टोन हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अगर 2000 रुपये कैरेट वाला आपको वही काम करता है, बशर्ते खाली ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपने समझनी ज़रूरी हैं। दूसरी चीज़, राशि रत्न खरीदते हुए ओरिजिनल होना चाहिए, तो इसकी पहचान मैंने आपको बता दी, सर्टिफाइड नेचुरल लिखा हुआ। इसमें भी 4 प्रकार मैंने बताए, तो उसके लिए पहला प्रकार ये है, ये एकदम क्लियर दिखेगा, पारदर्शी। दूसरा जो होगा उसमें हल्का सा मैलापन होगा, वो आपको 1000-1500 रुपये कैरेट में मिल जाएगा, वो भी ओरिजिनल ही होता है। उसके बाद आता है तीसरा, तीसरा जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा मैला, ये आपको इजीली 500 रुपये कैरेट में, 300 रुपये कैरेट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और चौथी जी चीज़ है उसका उपरत्न, पुखराज का उपरत्न, ये मात्र 100 से 200 रुपये पीस में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। वो अलग चीज़ है कि कई ज्योतिष जिसको 500 रुपये में पीस में बेच देते हैं, लेकिन हम उस चीज़ पर ना जाते हुए, ये चीज़ आपको 100-200 रुपये मिल जाएगी, उसको बोला जाता है सुनेला। दिखने में वो पुखराज की तरह होता है, वो भी वर्क करता है। अगर आपकी जेब में भैया सोना खरीदने के लिए अंगूठी नहीं बनवा सकते, राशि रत्न 5-6 हज़ार का खर्चा नहीं कर सकते, तो पंच धातु में ये सुनेला भी पहन सकते हैं, वो 100% वर्क करेगा, तो ये 10% तो वर्क करेगा, लेकिन जब 10% प्रगति कर चुके होंगे तो आप राशि रत्न तो खरीद सकते हैं ओरिजिनल, उसके बाद उस चीज़ की आप प्रगति करने के बाद ओरिजिनल राशि रत्न खरीदेंगे और थोड़ी प्रगति करने के बाद सोने में धारण करेंगे, तो ये चीज़ आपको बहुत ही बढ़िया वर्क करेगी। तो आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करने के लिए सोचता हूँ मैं, खाली इतना ही बोलूँगा कि ये श्रृंखला है नवरत्न की, हर राशि को कब पहना जाता है, क्यों पहना जाता है, कैसे पहना जाता है, हर राशि रत्न के बारे में मैं पूरी डिस्कस आपके साथ ये शेयर करूँगा। आखिरी चीज़ बताना भूल गया मैं, वो इस उंगली में धारण किया जाता है और बृहस्पतिवार को ही पहना जाता है, कच्चे दूध में रात को मंदिर में रखें और सुबह पूजा करने वाला उस चीज़ को धारण करें, सूर्योदय के बाद 7-7:30 से पहले। ये दिख रहे हैं ये उंगली और बृहस्पतिवार। आज की वीडियो आपको कैसी लगी,
इसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।